दुनिया के किसी भी देश में जब रियल एस्टेट सेक्टर डूबता है तो उसकी पहली मार बैंकों पर ही पड़ती है। चीन में भी यही हुआ। साल 2022 में अप्रैल के महीने में चीन के कई राज्यों में बैंकों ने लोगों को अपने ही खातों से पैसा निकालने पर रोक दिया। कई महीने तक चीन की सरकार ने यह भी नहीं बताया कि बैंकों से पैसा निकालने पर पाबंदी क्यों है। जब लगा कि जनता विद्रोह कर देगी तब जाकर यह सच्चाई सामने आई कि चीन के कई बैंक भी दिवालिया होने की कगार पर हैं। क्यों दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हुए चीन के लोग, देखिए टेली सीरीज का एपिसोड कंगाली, चाइनाज बैंकिंग ब्लूज। मई 2012, डांझाओ, हेनान, चीन। ओशन फ्लावर आइलैंड यानी समंदर में फूल जैसा टापू। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। साल 2010 में एवरग्रांडे कंपनी के संस्थापक हुई का यान ने चीन की सरकार से इस प्रोजेक्ट की मंजूरी लेते समय बताया था कि समंदर में 940 एकड़ का एक कृत्रिम टापू बनेगा जिसमें रिजॉर्ट, अपार्टमेंट, आलीशान बंगले और शॉपिंग मॉल सब कुछ होगा। चीन की सरकार इसे अपनी आर्थिक समृद्धि का बेमिसाल नमूना मान रही थी, जबकि बहुत से लोगों को ओशन फ्लावर प्रोजेक्ट के दाल में काला नजर आ रहा था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि 1996 में 23,000 रुपए महीने की नौकरी छोड़कर एवरग्रांडे कंपनी खोलने वाले हुई का यान के पास इतनी दौलत कहां से आई कि वो सिर्फ 14 साल में 25 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट ओशन फ्लावर का ऐलान करें। एवरग्रांडे कंपनी साल 2009 में हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई तो अमेरिका के फ्लोरिडा में सिट्रन रिसर्च नाम की कंपनी चलाने वाले एंड्रयू लेफ्ट ने एवरग्रांडे का बही खाता खंगालना शुरू किया। शॉर्ट सेलिंग के लिए मशहूर एंड्रयू लेफ्ट ने जून 2012 में सिट्रन रिसर्च की वेबसाइट पर एक रिपोर्ट में दावा किया कि एवरग्रांडे दिवालिया हो चुकी है और झूठे आंकड़ों के जरिए वो निवेशकों से अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में पूंजी लगवा रही है। चीन की सरकार ने इस रिपोर्ट का झूठा बताया और हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज ने एंड्रयू लेफ्ट पर न सिर्फ पाबंदी लगाई बल्कि उन पर जुर्माना भी ठोंक दिया। एवरग्रांडे के फर्जीवाड़े पर पर्दा डालने के लिए चीन की सरकार ने दावा किया कि एवरग्रांडे के ओशन फ्लावर प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के बाद सिर्फ 17 महीनों में 40,000 लोगों ने निवेश किया है, जो चीन के रियल एस्टेट सेक्टर में एक रिकॉर्ड है। यह खबर चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने जारी की थी, लिहाजा चीन के लोगों को भरोसा था कि इतनी बड़ी कंपनी में उनकी पूंजी नहीं डूबेगी। अगस्त 2020, बीजिंग, चीन। पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में थी और उसी दौरान चीन की सरकार ने चुपचाप चीन की रियल एस्टेट कंपनियों के लिए नियम बना दिया जिसे थ्री रेड लाइंस कहा गया। इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये भी समझ लीजिए। दरअसल साल 2018 के बाद अमेरिका के साथ चीन की टैरिफ वॉर की वजह से अमेरिका और यूरोप की कंपनियां चीन से अपना कारोबार समेटने लगी थी। विदेशी कंपनियों के जाने का असर यह हुआ कि चीन के जिन लोगों ने कर्ज लेकर मकान खरीदे थे और किराए पर देकर अच्छी कमाई कर रहे थे उनको किराएदार मिलने मुश्किल हो गए। किराए की आमदनी गई तो होम लोन चुकाना भारी पड़ा। रियल एस्टेट कंपनियों ने भी चीन के बैंकों से अनाप शनाप कर्ज ले रखा था, इसलिए चीन के सरकार ने तय किया कि मकान अब सिर्फ रहने के लिए बनेंगे, निवेश करने के लिए नहीं। रियल एस्टेट कंपनियों को उनकी असल औकात के हिसाब से ही फंड मिलेगा और किसी भी कंपनी की संपत्ति अगर 100 रुपए है तो उसे 70 रुपए से ज्यादा कर्ज रखने की छूट नहीं होगी।
ये नियम लागू होते ही चीन की छोटी मोटी रियल एस्टेट कंपनियों के साथ साथ एवरग्रांडे के भी बुरे दिन शुरू हो गए। नवंबर 2021 आते आते एवरग्रांडे की रेटिंग खराब हुई। कंपनी ने मार्केट से पैसे उठाने के लिए जो बॉन्ड जारी किए थे उसका पैसा चुकाने का समय आया तो एवरग्रांडे डिफॉल्टर हो गई। लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि एवरग्रांडे के बारे में शॉर्ट सेलर एंड्रयू लेफ्ट ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। अब एवरग्रांडे ग्रुप के पास कर्ज का ब्याज चुकाने के भी पैसे नहीं हैं। एवरग्रांडे के प्रोजेक्ट या तो खंडहर हो रहे हैं या फिर अधूरी इमारतों का ढांचा खड़ा है। चीन के आम लोग अपनी जमा पूंजी गंवाकर रो रहे हैं। जिन्हें मकान तो मिला नहीं, बैंकों के लोन का बोझ सिर पर आ गया। मेरे पास अब भुगतान के लिए भी धन नहीं है, घर भी जब्त कर लिया जाएगा। मैंने 2019 में 4,20,000 युआन देकर घर खरीदा था, फिर मुझे हर महीने 6,000 युआन से अधिक का भुगतान करना था। पिछली गर्मियों में व्यवसाय खराब था, पैसों के लेन देन की श्रृंखला पूरी तरह से टूट गई, मेरा बैंक कार्ड फ्रीज कर दिया गया है। चीन में रियल एस्टेट का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद भी 10 साल तक कैसे चलता रहा, इसका जवाब चीन की सरकार ने नहीं दिया है। आशंका ये भी है कि एवरग्रांडे जैसी कंपनियों ने चीन के बैंकिंग सेक्टर का भी बैंड बजा दिया है। इस आशंका की वजह भी देख लीजिए। जुलाई 2022, हेनान, चीन। हेनान से लेकर आनहुई तक चीन के लगभग हर प्रांत में बैंकों के बाहर भीड़ बेकाबू थी। अप्रैल महीने से ही चीन के ग्रामीण और कस्बाई इलाकों के बैंकों से लोगों के पैसे निकालने पर रोक लगी थी। 3 महीने में लोगों को समझ में आ गया कि बैंकों में जमा उनका पैसा डूब रहा है, तो लोग सड़कों पर उतर आए। कम्युनिस्ट चीन में ऐसे आंदोलन करना जान देने के बराबर ही माना जाता है। साफ था कि लोग मरने मारने पर उतर चुके हैं। लगभग 3 महीने बाद चीन की सरकार ने थोड़ा थोड़ा करके लोगों की जमा पूंजी लौटानी शुरू की, लेकिन तब तक चीन के बैंकों से लगभग 20,000 करोड़ डॉलर की रकम गायब हो चुकी थी। इसकी भरपाई भी संभव नहीं थी क्योंकि बैंकों का पैसा रियल एस्टेट कंपनियों में डूबा था और रियल एस्टेट कंपनियां खुद डूब चुकी थी। चीन की रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे 25 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी है। बैंकों की हालत खराब है और चीन की सरकार दूसरे देशों को कर्ज बांटकर बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का ढिंढोरा बजा रही है। बहुत से लोगों को लगता है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जिन देशों को लोन दिया है उनसे कमाई करके चीन की आर्थिक हालत सुधार लेंगे। ऐसा सोचना भी कितनी बड़ी भूल है, ये समझने के लिए देखिए टेली सीरीज का एपिसोड बट्टा खाता, बैकफायरिंग वेंचर्स। छह जनवरी 2017, हम्बनटोटा, श्रीलंका। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर बवाल मचा था। स्थानीय लोगों और बंदरगाह पर काम करने वाले कर्मचारियों ने पूरे हम्बनटोटा पोर्ट को बंधक बना लिया था। लोग इस बात पर भड़के हुए थे कि श्रीलंका की सरकार ने हम्बनटोटा पोर्ट और आसपास की हजारों एकड़ जमीन को 99 साल के पट्टे पर चीन के हवाले क्यों किया। चीन के डेट ट्रैप यानी दूसरे देशों को कर्ज के जाल में फंसाने का पहला नायाब नमूना श्रीलंका ही था, जिसकी कहानी शुरू हुई साल 2007 में। श्रीलंका तब तमिल विद्रोहियों के साथ गृह युद्ध में उलझा था, इसलिए कोई देश उसे लोन देने के लिए भी तैयार नहीं था। चीन ने मौके का फायदा उठाया और हम्बनटोटा पोर्ट बनाने के लिए चीन के एक्सिम यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने
श्रीलंका को 6.3% के ब्याज पर लगभग 130 करोड़ डॉलर का लोन दिया। सवाल ये उठा कि श्रीलंका ये लोन कैसे चुकाएगा, तो बंदरगाह के प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बताया गया कि पोर्ट के साथ यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेंगे, कारोबार होगा, कमाई होगी तो लोन भी चुक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साल 2016 में हम्बनटोटा पोर्ट को चालू हुए 4 साल बीत चुके थे। कमाई और खर्चे का हिसाब हुआ तो मालूम पड़ा कि 12 मिलियन डॉलर कमाई हुई है और बंदरगाह चलाने में ही 10 मिलियन डॉलर खर्च हो चुके हैं। 2 मिलियन डॉलर से चीन के कर्ज का ब्याज चुकाना भी संभव नहीं था, लिहाजा पूरा बंदरगाह चीन के हवाले करना पड़ा। अप्रैल 2015, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। चीन से कर्ज लेकर विकास का जो सपना श्रीलंका ने देखा था, वही सपना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को बेचा। चीन और पाकिस्तान के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर का करार हुआ, जिसमें चीन ने पाकिस्तान में रेल, रोड और वादर पोर्ट बनाने के लिए 4,600 करोड़ डॉलर का लोन मंजूर कर दिया। श्रीलंका का हाल देखकर चीन ने तय किया कि पाकिस्तान को सस्ता लोन देंगे, कुछ रकम 2% के ब्याज पर और कुछ 3% पर। सवाल यह भी उठा कि चीन का कर्जा पाकिस्तान कैसे चुकाएगा, तो पाकिस्तान को भी चीन ने हसीन ख्वाब दिखाया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेंगे। उस ख्वाब की हकीकत इस योजना का पहला चरण पूरा होने के बाद सामने आया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो ओरिजिनली हमने पाकिस्तान में सीपेक के अंडर में बनाना है, वो 37 स्पेशल इकोनॉमिक जोन से 37, इसमें से 9 को हमने हमारे यहाँ प्रायोरिटाइज किया हुकूमत ने कि हमने 9 को शुरू करना है। पाकिस्तान में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो ना ही स्पेशल है, ना ही इकोनॉमिक है और ना ही जोन है। जब आप किसी जोन को स्पेशल डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए 100 पॉलिसीज होती हैं उसके साथ, वो कहाँ है। फिर अगर आपकी जो इकोनॉमिक जोन्स हैं वो आपने इसलिए नहीं बनाना होता है कि आपके किसी सियासतदान के घर के करीब वो आपने उसको ओबलाइज करना होता है कि उसके घर के करीब कोई जोन बना दो। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शी जिनपिंग के बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव प्लान का हिस्सा है, जिसके तहत चीन पूरी दुनिया तक रोड, रेल या बंदरगाहों के जरिए अपनी कनेक्टिविटी बनाना चाहता है। इसके लिए चीन ने $1 ट्रिलियन का बजट तय किया है। ये पैसा जिन देशों में BRI प्रोजेक्ट के तहत काम होगा उन देशों को लोन के तौर पर दिया जा रहा है। अमेरिका और यूरोप के देश मानते हैं कि ये तमाम देशों को कर्ज के जाल में फंसाने की चीन की चाल है, लेकिन अब इस जाल में खुद चीन फंसता दिख रहा है, क्योंकि चीन से कर्ज वही देश ले रहे हैं जो पहले से कंगाल हैं। चीन ने बॉर्डर एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत यूनान प्रांत के बोटान शहर से लाओस की राजधानी वियतियान तक रेल लाइन शुरू की। इस रेल प्रोजेक्ट के लिए चीन ने लाओस को 600 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया, जिसकी GDP ही 1400 करोड़ डॉलर है। To many critics, this project would be a symbol of irresponsible Chinese lending. चीन जिन देशों को लोन देता है उनसे सॉवरेन गारंटी लेता है, यानी वहां की सरकार की गारंटी कि लोन चुकाया जाएगा। लेकिन चीन से कर्ज लेने वाले बहुत से देश गृह युद्ध की चपेट में हैं। उन देशों में कब सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा ये कोई नहीं जानता। फिर चीन का कर्ज चुकाने की गारंटी कौन देगा?
गौतम बुद्ध ने कहा था कि आपका शत्रु ही सबसे बेहतर शिक्षक होता है। ये ज्ञान चीन को बर्बादी से बचा सकता था, लेकिन चीन की सरकारों ने अपने दुश्मन अमेरिका से कोई सबक नहीं सीखा। साल 2007 में अमेरिका में रियल एस्टेट और बैंकिंग सेक्टर के डूबने की वो कहानी जो अब चीन में दोहराई जा रही है। देखिए हमारा ये एपिसोड बुलबुला, रियल एस्टेट डिबाकल। I think a few investors were. उन्नीस मार्च 2005, सैन जोसे, कैलिफोर्निया, अमेरिका। Related to mortgages or financial companies. 34 साल के युवा हेज फंड मैनेजर माइकल बरी अपनी कंपनी सियान कैपिटल्स के ऑफिस में थे। सामने दस्तावेजों का अंबार था। दो साल तक इन दस्तावेजों को खंगालने के बाद माइकल बरी ने अमेरिका में होम लोन बेच रहे बैंकों में कुछ ऐसा देखा कि उन्होंने बड़ा दाव लगाने का फैसला किया। दो महीने बाद 19 मई 2005 सैन जोसे, कैलिफोर्निया, अमेरिका। माइकल बरी ने बेहतरीन रेटिंग वाले ड्यूश बैंक से शर्त लगाई कि अगले दो साल में सब प्राइम मॉर्गेज यानी क्रेडिट रेटिंग से समझौता करके टीजर रेट पर जो होम लोन दिए गए हैं वो सब डूबने वाले हैं। माइकल बरी इसके लिए 6 करोड़ डॉलर का दाम लगाने के लिए तैयार थे, जिसे ड्यूश बैंक ने मान लिया। ये खबर फैली तो इन्वेस्टमेंट कंपनी गोल्डमैन सच ने माइकल बरी से संपर्क साधा। गोल्डमैन सच ने होम लोन देने वाले अमेरिका के कई बैंकों के लिस्ट भेजी। उन बैंकों के नियम शर्तों की बारीकी से पड़ताल करने के बाद माइकल बरी ने अलग अलग बैंकों के सब प्राइम मॉर्गेज पर 800 करोड़ डॉलर से ज्यादा का दाम लगा दिया। माइकल बरी को 100% यकीन था कि साल 2007 आते आते अमेरिका में होम लोन बांटने वाले बैंकों, होम लोन लेने वाले ग्राहकों और रियल एस्टेट का बंटाधार तय है। 2 अप्रैल 2007, इरविन, कैलिफोर्निया, अमेरिका। वही हुआ जिसकी भविष्यवाणी माइकल बरी ने 2 साल पहले की थी। अमेरिका में मॉर्गेज लोन देने वाली सबसे बड़ी निवेश कंपनी न्यू सेंचुरी फाइनेंशियल ने खुद को दिवालिया घोषित करने की अर्जी दाखिल कर दी और इसके बाद अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर में कोहराम मच गया। एक के बाद एक बैंक दिवालिया होते चले गए क्योंकि उन बैंकों ने जिन लोगों को होम लोन दिए थे उनमें ज्यादातर लोग बैंक की किश्तें चुका पाने की हालत में नहीं थे। बैंकों के पास पैसा नहीं था और उन बैंकों को आगाह करने के लिए शर्त लगाने वाले माइकल बरी एक झटके में अरबपति बन चुके थे। अब आप ये जान लीजिए कि माइकल बरी ने ऐसा क्या देखा कि उन्हें अमेरिका के बैंकों की बर्बादी 2 साल पहले ही नजर आने लगी थी। दरअसल साल 2002 के बाद अमेरिका में रियल एस्टेट कारोबार गुलजार था। लोगों को 2% से भी कम ब्याज पर होम लोन मिल रहा था, प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ रहे थे और मकान का किराया भी। लिहाजा जिन लोगों की आर्थिक हैसियत एक होम लोन लेने की नहीं थी उनको भी बैंकों के एजेंट टीजर रेट यानी न्यूनतम ब्याज दर पर होम लोन बांट रहे थे। टीजर रेट 2 साल के लिए था और जिन लोगों को लोन दिए जा रहे थे उनकी लोन चुकाने की हैसियत जिस रेटिंग से तय होती है वो रेटिंग भी न्यूनतम स्तर पर थी। माइकल बरी ने लोन लेने वालों की प्रोफाइल और बैंकों के दस्तावेज के आधार पर भाप लिया कि 2 साल बाद जैसे ही ब्याज दरें बढ़ेंगी लोन चुकाने वाले डिफॉल्टर होने लगेंगे। उन्हें शक इस बात पर भी था कि अमेरिका में प्रॉपर्टी मार्केट में जो उछाल आया है वो भी बुलबुला है जिसका फूटना तय है। माइकल बरी की हर बात सच साबित हुई। बिना सोचे समझे होम लोन देने वाले बैंक भी डूबे। लोन चुकाने में नाकाम होने पर उन्हें अपने घर मकान से भी हाथ धोना पड़ा क्योंकि प्रॉपर्टी बैंकों ने जब्त कर ली थी। अमेरिका में रियल एस्टेट डेवलपर्स और बैंकों की साठगांठ से पैदा हुआ ये वो संकट था जिससे पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आ गई।
इसी मामले की जांच के दौरान पता चला कि बैंकों ने होम लोन बांटते समय जरूरी कागजातों का भी ध्यान नहीं रखा। अपना घर जब्त होने के बाद परेशान एक महिला वकील ने खुद छानबीन की तो अमेरिका के बैंकों का एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। चीन का हाल यह है कि वहां महंगाई दर नेगेटिव यानी शून्य के नीचे चली गई है क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है। चीन के शहरों में बेरोजगारी की दर 21% के पार है। चीन के बैंकों ने ब्याज दरें घटा दी हैं, इसलिए जिन लोगों के पास पैसा है वो हांगकांग जाकर बैंकों में खाते खुलवा रहे हैं। रिकॉर्ड समय में इमारतें बनाकर इतराने वाले चीन की असली हालत क्या है, देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड दलदल द डेट क्राइसिस। चार सितंबर 2023 बीजिंग चीन। गाउन पहनकर चीन के हजारों युवा अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लेने आए थे और डिग्री हाथ में आते ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगे। आमतौर पर ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद नौजवान खुशी में उछलते हैं, भविष्य के सपने संजोते हैं, नौकरी रोजगार की बात करते हैं, लेकिन चीन में इस साल लाखों ग्रेजुएट डिग्री लेकर मुंह लटकाए घर चले गए। घर से ही वो सोशल मीडिया पर मीम पोस्ट करके खुद को फुल टाइम चिल्ड्रन बताने लगे। चीन आर्थिक संकट के कितने गहरे दलदल में धंस गया है, बेरोजगारी की बढ़ती फौज उसी की ताजा मिसाल है। इसी की एक और तस्वीर 3 महीने पहले शंघाई से सामने आई। 28 जुलाई 2023 शंघाई चीन। चीन की दो लड़कियां शंघाई की फॉरेन स्ट्रीट पहुंची। शंघाई की फॉरेन स्ट्रीट की पुरानी छवि उनके जहन में थी। उम्मीद थी कि यहां के बाजार और रेस्टोरेंट्स में 70% विदेशी लोग मिलेंगे, लेकिन मिला मरघट जैसा माहौल। Honestly, have you noticed fewer foreigners around when you walk down the streets these days? I've been living here and used to see people from all around the world, whether in my neighborhood or out on the streets. But now the number has dwindled. This is my genuine observation. Shanghai ka ye sannata America aur Europe ke pratibandhon ka natija hai. Videshi companies China se boriya bistar samet kar ja chuki hain. उनके जाते ही धंधा चौपट हुआ तो चीन के अमीरों ने भी अपना घर बेचकर शंघाई छोड़ना शुरू कर दिया। अब हाल ये है कि शंघाई में मकान और दुकान का किराया आधा भी नहीं मिल रहा, प्रॉपर्टी के दाम भी औंधे मुंह गिर पड़े हैं। And their selling prices have dropped significantly compared to 2021. This phenomenon is not only happening in the Bund, but is also similar across all regions of Shanghai. 4 सितंबर 2023 जुनई गोईझोऊ चीन। दक्षिणी चीन के गोईझोऊ प्रांत का ये शहर चीन का वर्तमान भी है और भविष्य भी। यहाँ शी जिनपिंग की सरकार ने हाईवे, पुल और रिहायशी इमारतों का काम जितनी जोर शोर से शुरू किया था उसे बीच में ही बंद कर दिया, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए ना तो पैसे हैं और ना ही जरूरत। क्योंकि शहर में जब काम धंधा ही नहीं है तो फिर कोई यहाँ रहने क्यों आएगा। चीन की अर्थव्यवस्था की तबाही के लिए एवरग्रांडे जैसी रियल एस्टेट कंपनी की बदहाली को जिम्मेदार माना जा रहा है, लेकिन चीन का संकट इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। सबसे बड़ा संकट ये है कि अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे देशों ने चीन के साथ कारोबार समेटना शुरू कर दिया है। I think the housing sector, you know, can be stabilized. What I'm much more concerned about is, will you be able in China to rebuild confidence in the private sector? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अभी तक माना नहीं है कि उनका चाइनीज ड्रीम्स प्लान बिखर चुका है, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था के आंकड़े डरावनी तस्वीर दिखा चुके हैं। चीन को रियल एस्टेट और बैंकिंग संकट से उबारने के लिए चीन की सरकार लगातार कर्ज ले रही है। देशी विदेशी संस्थाओं को मिलाकर चीन का कर्ज उसके जीडीपी के 80% के पार जा चुका है।
हालांकि चीन के पास अब भी विदेशी मुद्रा भंडार $3 ट्रिलियन से ज्यादा है, लेकिन उसमें अब बढ़ोतरी नहीं हो रही बल्कि कमी आ रही है। विदेशी पूंजी नहीं आई तो जमा पूंजी खर्च तो एक ना एक दिन खत्म होना ही है। चीन में आर्थिक बदहाली साफ दिख रही है। पूरी दुनिया चिंता में है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और भारी मशीनरी के लिए यूरोप के भी बहुत से देश चीन पर निर्भर है। ऐसे संकट में कोई भी देश अपने वित्त मंत्री को कटघरे में खड़ा करता है, लेकिन चीन में पहले विदेश मंत्री को निपटाया गया और अब चीन के रक्षा मंत्री लापता है। विदेश और रक्षा मंत्री का सबसे अहम रोल जंग में होता है। आखिर शी जिनपिंग का प्लान क्या है? क्या वो अपनी जिद में चीन के साथ पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डुबोने के मूड में है? देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड संकट, अ फाल्टरिंग फ्यूचर। जनवरी 1962, बीजिंग, चीन। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लगभग 7000 नेताओं के बीच माओ त्से तुंग के साथ चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति लियू शाओची भी मौजूद थे। चीन की औद्योगिक क्रांति के लिए माओ त्से तुंग ने 5 साल पहले द ग्रेट लीप फॉरवर्ड का जो नारा दिया था वो पूरी तरह फेल हो चुका था। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड के चक्कर में लगभग 5 करोड़ लोग भूख से मर चुके थे। माओ त्से तुंग का पूरा भाषण इसी बात पर था कि द ग्रेट लीप फॉरवर्ड इसलिए नाकाम हुआ क्योंकि मौसम ने साथ नहीं दिया।